सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 13 है, जादू का ब्रश। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1 दोहराई। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 13 की एक बार फिर से दोहराई करेंगे। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि कर्म सर्वोपरि है, किंतु यदि स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ से प्रेरित होकर कर्म ना किया जाए तो कर्म करने वाले के चित्त की शुद्धता सवालों के घेरे में होती है। तो चलिए बच्चों, पाठ 13 की दोहराई की शुरुआत करते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। यह एक लड़की का चित्र है। इस लड़की का नाम सुची था, जो कि चीन के किसी गांव में रहती थी, और यह एक सुंदर लड़की थी, और इसके पिताजी कांच की वस्तुएं बनाने का काम करते थे। माँ के न होने के कारण घर के सारे काम सुची को ही करने पड़ते थे। वह प्रतिदिन स्कूल जाती थी और फिर भी हमेशा खुश रहती थी। कभी भी किसी ने उसे उदास या शिकायत करते हुए नहीं देखा था। उसके बहुत से मित्र थे, पर घर के काम इतने होते थे कि उसे खेलने का समय बहुत कम मिलता था। छोटी सी सूची को लोगों के काम आना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन काम करते हुए सुची के पिता का हाथ आग से जल गया। सुची अपने पिता को लेकर दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे और इनके इलाज में भी काफी पैसे लगेंगे। कुछ महीनों तक यह काम पर भी नहीं जा सकते, इसलिए सुची ने स्कूल छोड़ दिया और एक धनी स्त्री के घर में काम करने लगी। वह स्त्री धनी तो थी, पर उसका मन बहुत छोटा था। उसे सुची जैसी छोटी लड़कियों से अत्यधिक काम कराना अच्छा लगता था। उस धनी स्त्री के घरों में चित्रों का एक कमरा भी था। उसमें अनेक सुंदर चित्र टंगे थे। वे चित्र फूलों के, बच्चों के, जंगलों के और समुद्र आदि के थे। सुची को उस कमरे की सफाई करने में अधिक समय लगता था। उसे चित्र बहुत पसंद थे। वह मनी मन में सोचती थी, काश मैं भी इतने सुंदर चित्र बना सकती और उनसे अपना घर सजा लेती। एक दिन उसका जन्मदिन आया। सुची के लिए वह भी रोज की तरह निकल गया। रात को उसके पिताजी उसके लिए मिठाई लाए और दोनों के दोनों मिठाई खाकर सो गए। सुची को उस दिन अपनी माँ और अपने स्कूल की याद आ रही थी। उस रात वह अधिक देर तक सो ना सकी। जब सुची सुबह उठी तो उसके सिरहाने कुछ कागज रखे थे, साथ में ढेर सारे रंग और एक सतरंगा ब्रश भी था। उस पर जन्मदिन मुबारक हो का रिबन लगा हुआ था। यह देखकर सुची बहुत खुश हुई। उस दिन वह खुशी खुशी काम पर भी गई। शाम को लौटकर उसे चित्र जो बनाने थे। काम खत्म कर जब वह घर आई तो घर के काम भी बाकी थे। उसने ब्रश से एक फूलदान और उसमें कुछ रंग बिरंगे फूल बनाए। इतना बनाकर वह सो गई। जब वह सुबह उठी तो कमरे में
खुशबू आ रही थी तो उसने देखा वह फूलदान और फूल असली के बन गए थे। उसके पिता भी यह देखकर दंग रह गए। दूसरे दिन शाम को उसने एक गाय का चित्र बनाया और साथ में एक घोड़े का भी चित्र बनाया। सुबह उठकर देखा तो वास्तव में उसकी झोपड़ी के बाहर एक सफेद गाय और घोड़ा घास चर रहे थे। सुची उस दिन घोड़े पर बैठकर काम पर गई और बारी बारी से उसने अपनी सहेलियों को घोड़े की सैर कराई। उस दिन के बाद से यही सिलसिला बन गया। सुची जो भी चित्र बनाती वही चीजें सचमुच सामने आ जाती। कभी किसी के लिए गेंद बनाती तो किसी के लिए मिठाई तो किसी के लिए माला और किसी के लिए रंग बिरंगे कपड़े। सुची लालची नहीं थी। उसने अपने लिए बहुत कम चीजें बनाई थी। वह तो बस जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करती थी। जब उसकी मालकिन को पता चला कि सुची के पास जादू का ब्रश है तो वह उसके घर आ पहुंची। सुची ने उसका स्वागत किया। मालकिन ने देखा कि सुची की झोपड़ी तो हमेशा की तरह ही लग रही थी, लेकिन मालकिन से पूछे बिना रह नहीं गया। वह बोली, सुची, क्या तुम्हें सचमुच कोई जादू आता है? तो सुची ने कहा, हाँ मालकिन, यह सच है। क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं? तो मालकिन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मेरे लिए हीरो की खान बना दो। वह खान तो यहाँ नहीं बन पाएगी, तो मुझे ही खान में पहुंचा दो। तो ये बात सुनकर सुची ने कहा, ठीक है मालकिन। रात को उसने हीरो की खान का चित्र बनाया और उसमें अपनी मालकिन को भी बिठा दिया। सुबह उठकर सुची जब काम पर गई तो उसने देखा हवेली में बहुत ही हंसी खुशी का वातावरण था, क्योंकि मालकिन गायब हो गई थी। हवेली के सभी लोग बड़े हंस रहे थे, खेल रहे थे, जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। सबने सुची से कहा, मालकिन की वापसी का चित्र न बनाना, वह हीरो के बीच में खुश होएगी और यहाँ हम उसके बिना खुश हैं। धीरे धीरे सूची के कागज खत्म हो गए और रंग भी, लेकिन सूची को इसकी फिक्र कहाँ थी। अब उसके पिताजी का हाथ भी ठीक हो गया था। उसके पिताजी ने फिर से कमाना शुरू कर दिया और सूची ने भी फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। और अब उसके मित्र फिर से उसको मिल गए और साथ में एक गाय और घोड़ा भी। और उसे क्या चाहिए था? तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमें यह सीखा कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए और सबका हित करना चाहिए। अब हम अभ्यास कार्य की दोहराई करेंगे। प्रश्न नंबर 1, पाठांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुबह उठकर जब वह काम पर गई, अल्पविराम, तो देखा कि हवेली में बहुत हंसी खुशी का माहौल था, अल्पविराम, क्योंकि मालकिन गायब हो गई थी। पूर्ण विराम, हवेली के सब लोग हंस खेल रहे थे। पूर्ण विराम, जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा है। पूर्ण विराम, सबने सुची से कहा, मालकिन की वापसी का चित्र न बनाना। पूर्ण विराम, वह हीरो के बीच खुश
खुश होगी और यहाँ हम उसके बिना खुश है। पूर्ण विराम। अब हम एक बार फिर से इस पाठांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सुबह उठकर जब वह काम पर गई तो देखा कि हवेली में बहुत हंसी खुशी का माहौल था। अल्पविराम, क्योंकि मालकिन गायब हो गई थी। पूर्ण विराम। हवेली के सब लोग हंस खेल रहे थे। पूर्ण विराम। जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा है। पूर्ण विराम। सबने सुचि से कहा मालकिन की वापसी का चित्र न बनाना। वह हीरो के बीच खुश होगी और यहाँ हम उसके बिना खुश है। पूर्ण विराम। कब? सुबह उठकर कौन काम पर गई? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, सुबह उठकर सुचि काम पर गई। पूर्ण विराम। ख, हवेली का माहौल हंसी खुशी का क्यों था? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, हवेली का माहौल हंसी खुशी का इसलिए था क्योंकि मालकिन गायब हो गई थी। पूर्ण विराम। ग, हवेली के लोगों ने सुचि से क्या कहा? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, हवेली के लोगों ने सुचि से यह कहा कि मालकिन की वापसी का चित्र न बनाना। वह हीरो के बीच खुश होगी और यहाँ हम उसके बिना खुश है। पूर्ण विराम। घ, त्योहार मनाने से क्या अभिप्राय है? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, त्योहार मनाने से यह अभिप्राय है कि खुशी मनाना। त्योहार मनाने से अभिप्राय है कि खुशी मनाना। अब हम भाषा ज्ञान की दोहराई करेंगे। प्रश्न नंबर एक, सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क, वह प्रतिदिन स्कूल जाती थी। पूर्ण विराम। वह या तुम, तो सही सर्वनाम लगेगा वह। ख, उसमें अनेक सुंदर चित्र टंगे थे। सब में या उसमें, तो सही सर्वनाम आएगा उसमें। ग, शाम को लौटकर उसे चित्र जो बनाने थे, तुमको या उसे, तो यहाँ पर सही सर्वनाम है उसे। घ, तुम्हारी क्या आवश्यकता है? प्रश्न चिन्ह। वह या तुम्हारी, तो यहाँ पर सही सर्वनाम है तुम्हारी। तो पहले तो आपको मैं ये बताऊंगी सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे क, वह प्रतिदिन स्कूल जाती थी। ख, उसमें अनेक सुंदर चित्र टंगे थे। ग, शाम को लौटकर उसे चित्र जो बनाने थे। घ, तुम्हारी क्या आवश्यकता है? प्रश्न नंबर दो, काम खत्म कर जब वह घर आई तो घर के काम बाकी थे। इस वाक्य में पूर्ण विराम, अल्प विराम जिसे हम कोमा कहते हैं, नहीं होने से अर्थ ठीक से
समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको एक वाक्य दे रखा है, काम खत्म कर जब वह घर आई तो घर के काम बाकी थे। इसमें ना तो अल्पविराम का प्रयोग है ना ही पूर्ण विराम का प्रयोग है। तो जब हम अल्पविराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते तो अर्थ जो होता है वाक्य का हमें ठीक से समझ में नहीं आता। अब फिर से पढ़िए, काम खत्म कर जब वह घर आई अल्पविराम तो घर के काम बाकी थे पूर्ण विराम। अर्थ समझ आ गया पूर्ण विराम, क्योंकि अल्पविराम और पूर्ण विराम लगने से अर्थ स्पष्ट हो गया पूर्ण विराम। अब इस वाक्य में आपको यहाँ पर अल्पविराम और यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करने पर आपको इसका अर्थ समझ में आ गया कि जब सूची काम खत्म कर घर आई तो उसके घर के काम भी अभी बाकी थे। तो इस वाक्य में हमने अल्पविराम और पूर्ण विराम का प्रयोग किया। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है, नंबर एक ये पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है जो वाक्य की समाप्ति पर लगता है। जब वाक्य खत्म होता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। नंबर दो पे है अल्प विराम, वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने पर, वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नंबर तीन प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने पर, तो आपको ये तीन चिन्ह प्रयोग करने हैं। नंबर एक पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति पर हम इसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने पर, और प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने पर। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। क, चीन के गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी पूर्ण विराम। तो इस वाक्य में हमने अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया, क्योंकि वाक्य पूरा होने पर हम उसकी समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ख, वे चित्र फूलों अल्पविराम, बच्चों अल्पविराम, जंगलों अल्पविराम, समुद्रों आदि के थे पूर्ण विराम। तो अब हम वाक्य में को जब बोल रहे हैं तो उसको रुक रुक कर बोल रहे हैं। वे चित्र फूलों, बच्चों, जंगलों, समुद्रों आदि के थे। तो वाक्य की समाप्ति पर हमने पूर्ण विराम लगाया और अब हमें यहाँ पर चार शब्द दिए गए हैं, फूलों, बच्चों, जंगलों, समुद्रों। समुद्रों के बाद आदि शब्द आ गया तो उससे पहले हम अल्प विराम का प्रयोग नहीं लगाएंगे, लेकिन हम फूलों, बच्चों, जंगलों और समुद्र के बीच में अल्प विराम का प्रयोग लगाएंगे। ग, क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं? प्रश्न चिन्ह, इसमें सूची ने अपनी मालकिन से पूछा था, क्या मैं जादू के ब्रश से आपके लिए कुछ बना दूं? तो क्या शब्द आ गया? तो वाक्य के अंत में हम प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। घ, मेरे लिए हीरो की खान बना दो पूर्ण विराम। मेरे लिए हीरो की खान बना दो, इसमें ना तो अल्प विराम का प्रयोग होगा ना ही प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होगा, सीधा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। अब मैं आपको व्याख्यान एक दोहराई से संबंधित गृह कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। कक्षा तीसरी
विषय हिंदी, उपविषय पाठ 13 है जादू का ब्रश, पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 1 दोहराई प्रदत्त कार्य, गृही कार्य। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। नंबर 1 सदैव, नंबर 2 अत्यधिक, नंबर 3 जरूरतमंद, नंबर 4 हीरा, नंबर 5 हुक्म, नंबर 6 माहौल, नंबर 7 वक्त। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर उसके सामने टिक लगाइए। क, सूची किस देश की रहने वाली थी? प्रश्न चिन्ह। नंबर 1 नेपाल, नंबर 2 भारत, नंबर 3 चीन, नंबर 4 पाकिस्तान। आपको इसमें से कौन सा उत्तर सही लग रहा है, आपको उसके सामने टिक का निशान लगाना है। ख, सूची को जन्मदिन पर क्या उपहार मिला? प्रश्न चिन्ह। नंबर 1 खिलौने, नंबर 2 कार, नंबर 3 सतरंगा ब्रश, नंबर 4 गुलदस्ता। सूची को जन्मदिन पर क्या उपहार मिला? खिलौने, कार, सतरंगा ब्रश या गुलदस्ता। ग, सूची ने सबसे पहले किसका चित्र बनाया था? प्रश्न चिन्ह। नंबर 1 गाय का चित्र, नंबर 2 घोड़े का चित्र, नंबर 3 फूलदान का चित्र। सूची ने सबसे पहले किसका चित्र बनाया था? गाय का चित्र, घोड़े का चित्र या फूलदान का चित्र। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। आपको उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। नंबर 1, तुम क्या खा रहे हो? नंबर 2, हम कल दिल्ली, आगरा, जयपुर और पानीपत जाएंगे। नंबर 3, मैं स्कूल जा रही हूँ। इसमें आपको विराम चिन्ह जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों के बीच में उचित विराम चिन्ह लगाना है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, हवेली के लोगों ने सूची से क्या कहा? प्रश्न चिन्ह। हवेली के लोगों ने सूची से क्या कहा? ख, सूची के पिता क्या काम करते थे? प्रश्न चिन्ह। ख, सूची के पिता क्या काम करते थे? अब हम व्याख्यान 2 से संबंधित गृही कार्य की जांच करेंगे। कक्षा 3
विषय हिंदी, उपविषय पाठ 13 है जादू का ब्रश, पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 2। गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सूची कौन थी? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, सूची एक सुंदर लड़की थी, पूर्ण विराम। ख, वह कहाँ काम करने जाती थी? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, वह धनी स्त्री के घर काम करने जाती थी, पूर्ण विराम। ग, सूची के पिता क्या काम करते थे? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, सूची के पिता कांच की वस्तुएं बनाने का काम करते थे, पूर्ण विराम। घ, सूची ने काम करना क्यों शुरू किया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, सूची ने काम करना इसलिए शुरू किया क्योंकि उसके पिताजी का हाथ आग से जल गया था। सूची ने काम करना इसलिए शुरू किया क्योंकि उसके पिताजी का हाथ आग से जल गया था। अण, सूची ने जादू के ब्रश का उपयोग कैसे किया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, सूची ने जादू के ब्रश का उपयोग लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए किया, पूर्ण विराम। सूची ने जादू के ब्रश का उपयोग लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए किया। प्रश्न नंबर 2, पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, गांव ग्राम। ख, घर गृही। ग, मित्र दोस्त। घ, आंख नेत्र। गांव ग्राम, घर गृही, मित्र दोस्त, आंख नेत्र। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।